बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रहमान, अल्लाह रहीम, अल्लाह करीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली के मेम्बरान, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। मैं भी खैर खैरियत से हूँ। और बच्चे गए हैं स्कूल और मैंने घर की सफाई तकरीबन मुकम्मल कर ली है, लेकिन अभी मैं सहन की तरफ नहीं जा सकी। कल मैंने धोए थे कपड़े और आज हवा चल रही है, तो चल के देखते हैं कि बाहर का मौसम कैसा लग रहा है। मेरे ख्याल में तो देखते हैं ना क्या हो रहा है। ये देखेंगे ना, ये हाल हो रहा है सहन को, देखे ना सही, एक भी कपड़ा अपनी जगह नहीं ठहरा हुआ। कुछ टिके हुए हैं, पैंट्स वगैरह तो ज़ाहरा नहीं गिरते, लेकिन बाकी कपड़े कुछ मेरे ख्याल में समेट के रखती हैं बच्चों ने यहाँ, और कुछ अभी लटके में हैं तो ये उतार लेते हैं हम। और कपड़ों का मुझे समझ नहीं आती कि हम, मुझे तो लगता है ना कि हमारी ज़िंदगी, लेडीज़ की ज़िंदगी ये कपड़ों पे टिकी हुई है। जब देखो कपड़े धो रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, धुलवा रहे हैं, धो रहे हैं, इस्त्री हो रहे हैं, बस यही काम मुझे लगता है कि हमारा रह गया। मासियों का कोई हाल नहीं है, किसी भी मासी को बुलाओ कपड़े धोने के लिए, उसके तो कुछ अजीब ही नखरे होते हैं, तो इससे बेहतर है कि बंदा खुद ही धो ले। अब काफ़ी टाइम से मैं खुद ही धो रही हूँ और अच्छे सफाई से तो धुलते हैं ना। ये देखें, ये मेरे बेटे की शर्ट कितना साफ धोई है, धुली हुई है उस वक्त। ये देखें, यहाँ पे धुलवाई थी तो यहाँ मट्टी और ये सारा कुछ चिपका हुआ था और इसकी मैल भी सही तरीके से साफ़ नहीं हुई थी, तो माशाल्लाह कैसे क्लियर नज़र आ रहे हैं। तो जो काम खुद किया जाए वो बहुत बेहतर होता है, तो इसीलिए अब मैंने खुद ही करना स्टार्ट किया। ये देखें सारे कपड़े इधर उधर बच्चों ने जो दिल किया उठाए और पहन लिए, और ये मैंने अब कपड़े सारे समेटने हैं। शुक्र है अंदर की सफाई कर ली है, और अब ये बाहर का काम रहता था तो मैंने कहा जल्दी से ख़त्म कर लूँ, फिर बच्चों के लिए कुछ पकाना भी है। तो अब ये सारे जो हो गए हैं खुश्क कपड़े, ये क्या हो गया, ये यहाँ फंस गया। अच्छा चलें, ये सारे मैंने उठा लेने हैं। और जो बाकी इधर से हैं कुछ बचे हुए वो आपको दिखाती हूँ कि वो मैंने मशीन में डालने हैं। मशीन में डाल दिए और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि अंदर हमारी सफाई वगैरह तो हो गई है। और एक चीज़ भी आपसे शेयर करनी थी, असल में पता ही क्या, मुझे तो लगता है कि हम औरतों की ज़िंदगी कपड़ों पे ही टिकी हुई है। जब देखें कपड़े धो रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, ये हो है वो है, बस कपड़े ही धो रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं, पहनने तो है ना। अब ये देखेंगे, सफाई वगैरह मैंने कर ली थी, ये रूम है। और अच्छा एक चीज़ आपको दिखाना चाह रही थी, अभी तरबूज मंगवाए थे, सॉरी ये तरबूज नहीं है, भूल गए, ये खरबूजे हैं, तो ये मंगवाए थे। ये देखें, ये कुछ मैं खा लिए, मेरे लिए रख लिए, मौसम के मुताबिक खा लें, अच्छा लगता है खाते हुए। और अभी मैंने इसे टेस्ट किया था तो अच्छा खासा मीठा था, यानी कि अभी मीठे ही हैं। अच्छा आपसे एक चीज़ शेयर करना चाह रही थी मैं कि कुछ दिनों से ना जरनिश बहुत कमज़ोर, बहुत वीक लग रही थी, तो मैंने एक हमारी हैं जिम ट्रेनर हैं उनसे मशवरा किया कि क्या लेना चाहिए इसके लिए कि इसका वेट गेन हो जाए, थोड़ा सा थोड़ी सी ये मोटी गुपली सी बन जाए मेरी बेटी। तो उन्होंने मुझे एक चीज़ रिकमेंड की, ये मैं आपसे शेयर करती हूँ। ये दिया उन्होंने वेट गेनर है, ये देखें, ये देखें सुपर वेट गेनर पाउडर है,
और ये दूध में भी हो सकता है, क्योंकि जनेश ना दूध नहीं पी सकती, पीती नहीं, उसे अच्छा ही नहीं लगता। तो मैंने उसे कहा था कि कोई ऐसी चीज़ हो जो ये अच्छी तरह खा ले। वैसे तो ये चॉकलेट में है और इसे पानी में भी डाल के पिया पिलाया जा सकता है। तो मैंने कहा ये ठीक है, पानी में तो इजीली पी लेगी। तो ये मैंने मंगवाया है, यहाँ तो मिला नहीं था, ये मैंने ऑनलाइन ही मंगवाया है। ये देखिए, वैसे इसमें जो पाउडर है वो चॉकलेट फ्लेवर में है, क्योंकि बच्चों को चॉकलेट आपको पता है कि बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये मैंने इसीलिए चॉकलेट फ्लेवर में मंगवाया। और ये देखिए, मैंने रमेश के लिए मंगवा के रखे हैं, ये थोड़े से बादाम हैं, उसे अखरोट बहुत पसंद है और वो बड़े मज़े से खाती है। वैसे तो कुछ खाती पीती नहीं है, लेकिन ये वाली चीज़ें उसे पसंद हैं, तो मैंने ये मंगवा के रखी हैं। कुछ कुछ दिनों से उसे ये भी दे रही हूँ कि ताकि वो उसमें कुछ एनर्जी आ जाए। आप ये अपने बच्चों को ज़रूर खिलाएं। और इसके साथ ही मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी कि कुछ दिनों से टीवी पर, मोबाइल खोलो, यूट्यूब खोलो, कुछ भी खबरें चल रही होती हैं, बच्चों को मार दी, बच्चियों को मार दिया गया। अभी एक मियाँ वाले का वाक्या हुआ, उसके बाद एक और वाक्या हुआ कि एक औरत ने अपनी 22 दिन की बच्ची को कत्ल कर दिया। खुदा रहा, ये क्या हो रहा है? और वजह क्या थी कत्ल की? कि जनाब बच्ची सोने नहीं देती, मुझे नींद नहीं करने देती, नींद नहीं, नींद में होती हूँ तो जगा देती है। ये भी माएँ हैं जो अपनी औलाद की कदर नहीं करती। खुदारा अपने बच्चों की कदर करें। अल्लाह ताला ने ये नेमतें कोई पैसे लेके थोड़ी दिए हैं हमें कि हम उनकी कदर नहीं कर रहे, ये तो हमारे लिए गिफ्ट हैं। तो खुदारा इनकी कदर करें। ये जो बचे हुए बीज थे तो इनको मैंने अलग निकाल लिया है, और अब मैं इनको ना, ये बोतल पड़ी हुई थी फारिग, अब इसमें डाल के रख लूँगी और फिर इसे हम धूप में रख देंगे। ये पता क्या, फिर इसमें ये सारे जो बीज वगैरह ना, एक दिन धूप में रखने से ये अलग हो जाएंगे, फिर हम इन्हें खुश कर लेते हैं। ये बीज भी बहुत सेहतमंद और बच्चे से बड़े शौक से खाते हैं। तो इसके बीज को अलग करने का ये तरीका होता है कि इसे किसी भी पानी की बोतल में डाल के ना पानी डालें, फिर ये बीज डाल के ना इन्हें धूप में रखना है। धूप में रखने से ये होगा कि हीट से ना ये पानी में होने की वजह से ना ये बीज और इसके ये जो मवाद है वो अलग हो जाएगा। फिर हम इसे खुश्क कर लेंगे और फिर सुखाने के बाद बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। तो मैंने कहा चलें आज ये आ गए तो इनको बोतल में बंद करके ना रख देते हैं। अच्छा, ये मैंने आपके लिए निकाला है, ये इसका छिलका है, ये थोड़ा सा मोटा कटा हुआ है, और बच्चों को एक छोटा सा ये टोटका भी है कि बच्चों को अगर, अब जैसे मौसम आ गया गर्मी का तो ख़ारिश वगैरह हो जाए जहाँ, तो ये लेके ना तो वहाँ जहाँ ख़ारिश हो रही है तो ऐसे मलना है, तो इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद ही वो गर्मी जो दाने पैदा होने वाले होते हैं या दाने पैदा हो चुके हों गर्मी दाने, तो वो ये इनसे ठीक हो जाते हैं। ये कुदरती नेचुरल चीज़ है तो ज़ाहरी बात है फ़ायदा देती है, ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब हम ना इसको बंद करके ना बाहर धूप में रख देते हैं। इसको थोड़ा सा हिला लेते हैं ताकि पानी और थोड़ा सा मिक्स हो जाए। अब हम इसको रख देंगे बाहर धूप में। अब इसको हम रख देते हैं धूप में। चलें यहाँ रख देते हैं, तो ओके हो गया। अब ये कल इसे उठा लेंगे, फिर आपको दिखाऊंगी कि इसे किस तरह से हमने
खुश्क करना है। हेलो गणेश, हेलो गणेश, ये देखें जी, ये स्कूल से आते ही मोबाइल पे लगी हुई है। आप इसे थोड़ा सा समझाए ना कि मोबाइल कम उठाया करे। गणेश मैंने मारना भी है कभी, उठो। और ये देखो, ये मैं आपके लिए बना के लेके आई हूँ, उठ जाओ, ये पी लो, ये एनर्जी के लिए ज़रूरी है। और ठंडे पानी में बनाया है, आपको ठंडा पानी पसंद है ना, ठंडा पानी है। चलो आ जाओ, पहले सलाम करो, कोई अपनी YouTube फैमिली को सलाम करो ज़रा। अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब? मैं ठीक हूँ। अच्छा, आगे कुछ नहीं बोलना आज। ये देखें, इस कलर भी सही नहीं रहा, वीक हो रही है, तो इसीलिए फिर ये देखें, ये मैं बना के लेके आई हूँ। ये देखें, चॉकलेट कलर है, लेकिन अब ऐसे लग रहा है जैसे कोई रेड सा कलर आ रहा है, लेकिन ये है चॉकलेट का फ्लेवर। तो ये अब मैं इसे पिलाती हूँ और कोशिश करती हूँ कि खुदारा जल्दी से पूरा पी लेना। ये लो गणेश, पीना शुरू करो, मैं देख रही हूँ। मुंह नहीं बनाना, बना रही हो, दिखाना। हाँ, शाबाश, बहुत अच्छी बच्ची है मेरी। कैसा लगा? वैसे इसका कुछ खास जायका नहीं है, ना मीठा है ना फीका है, पता नहीं कैसा जायका है। ऐसे थोड़ा सा मैंने टेस्ट किया था, तो मुझे कोई जायका खास लगा नहीं है इसका। चले कोई बात नहीं, अगर इसमें वाकई कोई एनर्जी। अब जनाब, मैंने असर की नमाज अदा कर ली है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा मौसम भी था, तो बाहर मैंने नमाज अदा की है। और इसके साथ ही मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगी कि आप से रिक्वेस्ट भी करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर अच्छा सा कमेंट्स भी दीजिए। और हाँ, अब मुझे लगता है कि आप सब्सक्राइब करने में ज़रा कंजूसी कर रहे हैं आप लोग। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर हमारी हेल्प कीजिए, हमारा साथ दीजिए। तो अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।